प्रदेश के खुद के एसएमएस हॉस्पिटल में आए हैं और उन्होंने सारा प्रोसीजर एसएमएस हॉस्पिटल में करवाया है। सुबह आए तो कौन कौन सी जांचें हुई, क्या कुछ पाया? सीएम साहब को पिछले एक दो दिन से छाती में भारीपन थी और मेनली उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और प्रॉब्लम थी, लेकिन चूंकि वो पोस्ट कोविड फेज में थे तो हम लोग बहुत केयरफुल थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई एटिपिकल कार्डियक इशू हो। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ आपका कार्डियक वर्कअप भी करना चाहेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो एक बहुत डेडिकेटेड और डिसिप्लिन पेशेंट है, जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो कभी मना नहीं करते। हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने माना और उन्होंने ये कहा कि आपको जो भी टेस्ट करने हैं मेरा एसएमएस में करें। तो वो हमारे साथ यहाँ आए, उनका यहाँ पे सीटी एनजीओ हुआ, उनको मालूम था कि एसएमएस में देश की सबसे एडवांस्ड लेटेस्ट सीटी एनजीओ मशीन है। और उसके बाद जैसे ही वो एक आर्टरी में उनका 90% ब्लॉक निकला तो हमने उनको सजेशन दिया कि सर अब आपका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा यू गो अहेड, आई हैव फुल फेथ इन टीम ऑफ एसएमएस, और हमने तुरंत उनको कार्डियक कैथ लैब में लिया, उनका स्टेंटिंग किया एंड अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, चेयरफुल है। आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली लाइक बिफोर, एक आम आदमी के जैसे ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं, एक आम आदमी के जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के। सीएम साहब का हमने राजस्थान हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के तहत रजिस्ट्रेशन किया, एक कॉमन नागरिक की तरह उनकी हमने एंजियोप्लास्टी की, स्टेंटिंग लगाया, एंजियोग्राफी की। वो बेसिकली एक कॉमन व्यक्ति की तरह हमने उनको आईसीयू में रखा है, बाकी आईसीयू में सारे नॉर्मल पेशेंट हैं, एक कैबिन के अंदर सीएम साहब हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है उनकी सिंप्लिसिटी को देख के, उनकी सेंसिटिविटी को देख के, उनका डॉक्टर्स में फेथ देख के हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा आखिरी सवाल, कब तक डिस्चार्ज होने की संभावना? नॉर्मली स्टेंट लगने के बाद पेशेंट को 12 से 24 घंटे में भेज दिया जाता है, बिकॉज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो जब वो जाना चाहेंगे हम भेज सकते हैं, उनको किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। आपने निवेदन भी किया है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोगों का प्रेशर है, सजेशन है कि उनको 2-3 दिन यहाँ रखा जाए, क्योंकि अगर एक बार वो चले गए तो उनके चाहने वाले भावुक लोग और लोग इतना उनको ट्राई टू मीट करेंगे कि शायद उनको रेस्ट नहीं मिल पाए, इसलिए बाकी मेडिकली ही इज फिट टू गो टू हॉस्पिटल। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर सुधीर भंडारी थे, उनका ये कहना है कि जो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है, उनकी सभी जांचें कर ली गई हैं और अधिकतर जांचें उनकी नॉर्मल आई है। हालांकि 90% ब्लॉकेज आने के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है, स्टंट डाला गया है। इसके साथ ही अगले 12 से 24 घंटों तक अब उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि उनको छुट्टी दे दी जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।